हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त नवीन चौधरी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं सरस्वती एकेडमी पानीपत के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, जैसे कि मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूं कि हमारी ऑफलाइन एकेडमी भी, हम ऑफलाइन भी कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। हमारी एकेडमी सरस्वती एकेडमी पानीपत में बस स्टैंड के नज़दीक है, ठीक है। हमारे यहाँ पे 7 to 9, 9 to 12, 12 to 3 और एक 3 to 5, इन चार टाइमिंग में बैच चलते हैं भाई। जिस भी भाई को, बहन को, मेरे दोस्त को भाई ऑनलाइन समझ में नहीं आ रहा है, ऑनलाइन कम समझ में आ रहा है, ऑफलाइन कोचिंग लेना चाहता है, वो कभी भी किसी भी टाइम हमसे, इन टाइम के अंदर कभी भी हमसे आके मिल सकता है, संडे को छोड़ के, ठीक है जी। संडे ऑफ रहेगा। चलिए अब अपना टॉपिक आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा, हम टॉपिक कर रहे थे जी डायरेक्शन का, ठीक है जी। डायरेक्शन टेस्ट हमने किया था जिसमें हमने दो टाइप कर चुके, डायरेक्शन टेस्ट था जिसमें हम दो टाइप अपनी कंप्लीट कर चुके थे, जहां पे सिर्फ दे रखा था कि इतनी बार राइट मुड़ा, इतनी बार लेफ्ट मुड़ गया, तो बताएं आप फेस कहां पे था। फर्स्ट टाइप जो थी उन्हीं के बारे में बात कर लेते हैं। जो मेरी टाइप फर्स्ट थी उसमें हमने क्या था, फर्स्ट डायरेक्शन दे रखी थी कि एक व्यक्ति अपने घर से निकला तो वह नॉर्थ में देख रहा था, फिर वो दो चार बार राइट मुड़ा, फिर दो बार राइट मुड़ा, तीन बार लेफ्ट मुड़ा, तो बताओ लास्ट में उसका फेस कहां पे था। इस तरह के क्वेश्चन थे। जो टाइप सेकंड की थी वहां पे क्या था कि वहां पे हमने किया था कि शुरुआत वाली डायरेक्शन नहीं दे रखी थी। वहां पे क्वेश्चन क्या था, एक व्यक्ति अपने घर से निकलता है और फिर दो बार अपने राइट मुड़ जाता है, तीन बार अपने लेफ्ट मुड़ जाता है, और अंत में अगर उसका फेस नॉर्थ की ओर है, उत्तर दिशा की ओर है, तो बताएं जब मैं अपने घर से निकला था तब उसका फेस किस डायरेक्शन की ओर था। ये दो टाइप हम कर चुके हैं और इन दोनों टाइपों में हमने फिगर नहीं बनाया था। मैंने जैसे कि बोला था हमें फिगर सिर्फ एक टाइप में बनाना पड़ेगा, जहां पे हमसे डिस्टेंस की बात हो या विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन पूछ रखी हो, किसी पॉइंट को देखे हमसे डायरेक्शन पूछ रखी हो, वहां पे हम फिगर बनाएंगे, वरना फिगर की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आते हैं हम अपनी टाइप नंबर थर्ड पे। टाइप थर्ड होती है भाई एंगल पे बेस, एंगल वाली टाइप होती है। हम एंगल वाली टाइप, डायरेक्शन में एंगल का क्या काम अभी देखते हैं। देखिए, हमने कल डायरेक्शंस का एक छोटा सा फिगर बनाया था, उसको मैं दोबारा बना रहा हूँ कि डायरेक्शन कौन कौन सी, डायरेक्शन कहाँ पे होती है। यहाँ पे कौन सी होती है जी, उत्तर, नॉर्थ, दक्षिण, साउथ, ईस्ट, पूर्व एंड वेस्ट, पश्चिम। ये चार हमने मेन डायरेक्शन पढ़ी थी और चार सब डायरेक्शन जो इनके मिडल वाली थी, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड देन नॉर्थ वेस्ट, ये आठ डायरेक्शन हमने कल बनाई थी। अब इन पे हम आगे चलते हैं कि आगे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, ठीक है। अगर वो चीज़, एक और चीज़ की थी, अगर हमने राइट मुड़ना है या दाएं की तरफ मुड़ना है तो इसका मतलब क्या होता था कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज, अगर लेफ्ट मुड़ना है, बाएं हाथ की तरफ मुड़ना है, तो वहां पे घुमा दो आपको 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ये दो चीज़ें हमें याद रखने के लिए मैंने कहा था कि इन दो को याद रखना, राइट और लेफ्ट में कन्फ्यूजन नहीं आएगा। अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आएगा, एक छोटी सी स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूँ, देखिए कैसे, कि कोई भी नाम लेके या ऐसे ही बोल दे कि एक व्यक्ति अपने घर से निकलता है तो वह उत्तर दिशा की ओर देख रहा था, कि एक व्यक्ति जब अपने घर से निकला तो वह उत्तर दिशा की ओर देख रहा था, नॉर्थ में देख रहा था, ठीक है जी। पहले मैं अपने राइट हैंड की ओर 90 डिग्री घूम जाता है, ठीक है, 90 डिग्री राइट हैंड बोले या इसको क्लॉकवाइज बोल दे कि वह घड़ी की दिशा में 90 डिग्री घूमता है। हम इसको करेंगे कैसे, देखो हम इसको साथ के साथ बना भी रहे हैं, हम करते कैसे हैं इनको। अगर क्वेश्चन की स्टेटमेंट जैसे एग्जाम में लिखी होती, मैं वैसे लिख देता हूं, एक व्यक्ति अपने घर से उत्तर दिशा में चलता है, उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ की ओर, एक व्यक्ति अपने घर से उत्तर दिशा की ओर चलता है फिर दाएं, या फिर मैं इसको बोल देता हूं क्लॉकवाइज, ताकि थोड़ा लिखना पड़े, फिर क्लॉकवाइज दिशा में, फिर क्लॉकवाइज 45 डिग्री घूमता है,
दाएं हाथ की ओर, या इसको राइट हैंड की ओर भी बोल सकते हैं, क्लॉकवाइज 45 डिग्री घूमता है। फिर एंटी क्लॉकवाइज, छोटी छोटी करके लिख रहा हूं, पूरी डेफिनेशन नहीं लिख रहा मैं। फिर एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूमता है, फिर क्लॉकवाइज घूमता है 135 डिग्री, और अंत में, और अंत में एक बार फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमता है 45 डिग्री। मैंने ये चार ले लिए, तो बताएं अब वह किस दिशा की ओर देख रहा है। अब किस दिशा में देख रहा है हमें ये बताना है, या मैं किस दिशा की ओर जा रहा है, ठीक है जी, उसका फेस कौन सी डायरेक्शन की ओर है। देखिए अगर मैं एग्जाम में बैठ के इसको ऐसे बनाने लगे कि एक व्यक्ति अपने घर से निकला, उसका फेस कहाँ था, नॉर्थ में, यहां से देखना है, यहां से उसका फेस कहाँ था जी, नॉर्थ में, पहले मैं क्या, फिर मैं क्लॉक वाइज चलता है, फिर क्लॉक वाइज 45 डिग्री घूमता है, क्लॉक वाइज यानी कि दाएं हाथ की ओर। अब देखो घड़ी की सुइयां कहाँ चलेगी, यहाँ पे है, तो यहाँ से क्लॉक वाइज ऐसे, ठीक है, तो क्लॉक वाइज घड़ी की दिशा में कितना घूमता है जी, 45 डिग्री। अब मुझे ये पता है पूरा एंगल कितना था 90 का, तो इसका हाफ क्या हो गया 45, तो अब वो यहाँ पे आ गया। अब उसका फेस कहाँ पे है, अब देखो कईयों के ना मन में आएगा जी ये था, यहाँ से ऐसे घूमा है तो उसका फेस तो ऐसे होना चाहिए, नहीं, वो खड़ा यहीं पे है, यहीं पे खड़ा खड़ा थोड़ा घूम गया, अब उसका फेस उस डायरेक्शन की ओर है, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट की ओर। उसके बाद फिर क्या बोला, फिर वह एंटी क्लॉक वाइज बाएं हाथ की तरफ कितना घूम जाता है 90 डिग्री। अब उसको एंटी क्लॉक वाइज जाना है, क्लॉक वाइज इधर होता है, एंटी क्लॉक वाइज उधर, यानी कि इससे उल्टा चलना है, एंटी क्लॉक वाइज कितना 90 डिग्री। अब 45 तो यहां तक हो गया था, इसमें 45 ये जोड़ दिया मैंने, तो हो गया 90। अब उसका फेस हो गया इस डायरेक्शन की ओर, फिर वह क्लॉक वाइज डायरेक्शन की ओर 135 डिग्री घूमा, फिर से क्लॉक वाइज चला, यानी कि उधर जाना है वापिस, और कितना 135 डिग्री। 135 भाई किसी को अगर नहीं पता, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लो, 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, पहले मैं इसको 90 घुमा देता हूँ फिर 45। अब यहाँ से 90 चलना है तो वापस मैं यहीं पे आ गया, 45 45 90, यहाँ तक 90 हो गया, फिर 45 और चला दो जी, ये हो गया 45 और, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया 135 डिग्री। अब फेस कहाँ पे आ गया, ईस्ट में, और अंत में फिर से एंटी क्लॉकवाइज मुड़ता है और कितना चलता है जी 45 डिग्री। अब एंटी क्लॉकवाइज यहाँ से वापस जाना है तो यहाँ पे आ गया उसका फेस इस डायरेक्शन की ओर, ये कौन सी डायरेक्शन जी, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। अब अगर मैं एग्जाम में ऐसे करने लग गया कि यहाँ पे बैठा था, पहले उधर गया, फिर उधर गया, फिर उधर गया, तो भाई हमारा एक तो टाइम खराब हो जाएगा और चांस होंगे कि हमारा क्वेश्चन गलत हो जाए। तो हमें एग्जाम में उस क्वेश्चन को ऐसे नहीं करना है, हमें कैसे करना देखिएगा, हमें फिगर बनाना ही नहीं है, हमने जैसे कि पिछली क्लास में भी बात की थी, हम फिगर नहीं बनाएंगे, हमें सिर्फ इतना देखना है कि उसने क्या कहा, एक व्यक्ति अपने घर से कौन सी डायरेक्शन में देख रहा था भैया, जा रहा था नॉर्थ में, नॉर्थ दिशा की ओर जा रहा था। इतना लिखने के बाद फिर देखो वह दो जगह मुड़ रहा है, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि या तो राइट मुड़ रहा है या लेफ्ट मुड़ रहा है, या इसको क्लॉकवाइज लिख लो या इसको एंटी क्लॉकवाइज लिख लो, वो आपकी मर्जी है। ये दो जगह उसका फेस घूम रहा है, बार बार वो घूम रहा है, क्लॉकवाइज कितनी बार घूमा 45 डिग्री, फिर यहाँ पे फिर से क्लॉकवाइज घूम रहा है कितना 135 डिग्री, फिर एंटी क्लॉकवाइज देखो भाई, एंटी क्लॉकवाइज एक बार 90 डिग्री और एक बार 45 डिग्री, जितनी बार क्लॉकवाइज घूमे उसको क्लॉकवाइज के नीचे लिख लेना, जितनी बार एंटी क्लॉकवाइज घूमे उसको एंटी क्लॉकवाइज के नीचे लिख लेना है, फिर इन दोनों को जोड़ दो। इन दोनों को जोड़ने के बाद मैंने इसमें 135 में मैंने 45 डिग्री जोड़ दिया, भाई कितना हो जाएगा 180 डिग्री, इसको जोड़ूंगा तो 135 डिग्री। अब इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, 180 और 135 में से बड़ी वैल्यू कौन सी है जी, 180 डिग्री, तो बड़े में से छोटे वाली वैल्यू को माइनस कर दो, बड़े में से छोटे वाली वैल्यू माइनस की मैंने, माइनस 135, मेरा बच कितना गया जी 45 डिग्री। अब बचा कौन सा है, जो बड़ा होगा वही बचेगा, बड़ा कौन सा था जी, क्लॉकवाइज थी, तो क्लॉकवाइज कितना बच गया मेरे पास 45 डिग्री। शुरुआत में फेस कहाँ पे था, नॉर्थ में, तो उत्तर दिशा की ओर फेस था और उत्तर दिशा से क्लॉकवाइज चला दो 45 डिग्री, यानी कि फेस कहाँ पे आ गया इस डायरेक्शन में, शुरुआत में फेस इधर था, क्लॉकवाइज 45 डिग्री, फेस कहाँ पे आ जाएगा भाई नॉर्थ ईस्ट की ओर, और यही हमारा आंसर आया था। हमें फिगर नहीं बनाना है, हमें सिर्फ इतना देखना है डायरेक्शन किधर है,
फर्स्ट टाइम पे उसने बोला ना, जैसे यहाँ पे अपने घर से निकला था उसका फेस कहाँ पे था, और फिर देख लेना कितनी बार वो क्लॉकवाइज घूम रहा है और कितनी बार एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। देखिए इसका एक एग्जांपल और देखते हैं। मैं कहता हूं कि राधा जब अपने घर से निकलती है, मैं पूरा क्वेश्चन ही लिखता कि राधा जब अपने घर से निकलती है तो वह नॉर्थ ईस्ट की ओर, नॉर्थ ईस्ट दिशा में जा रही थी, यानी कि उत्तर पूर्व दिशा की ओर। राधा जब अपने घर से निकलती है या वह नॉर्थ ईस्ट दिशा की ओर जा रही थी या नॉर्थ ईस्ट दिशा में देख रही थी, वो कह रहा कि पहले मैं अपने दाएं हाथ की ओर, राइट हैंड की ओर, पहले मैं अपने दाएं हाथ की ओर 45 डिग्री घूम जाती है, फिर उसी दिशा में, ऐसा लिख रहा है, फिर उसी दिशा में यानी कि जिसमें पहले घूमी है उसी दिशा में, फिर उसी दिशा में 135 डिग्री घूमने के बाद वह अपने बाएं हाथ की ओर, बाएं हाथ की ओर 180 डिग्री घूमती है, ठीक है। फिर कहेगा अंत में दाएं हाथ की ओर, राइट हैंड की ओर, अंत में दाएं हाथ की ओर 90 डिग्री घूमने के बाद वह बाएं हाथ की ओर 225 डिग्री घूम जाती है, तो बताएं अब वह किस दिशा की ओर देख रही है या किस दिशा की ओर जा रही है, ठीक है। काम वही करना है हमें। उसने क्या कहा शुरुआत में, फेस कहां पे है जी, नॉर्थ ईस्ट की ओर है। जितनी बार राइट घुमा रहा है उसको राइट के नीचे लिखना है, जितनी बार लेफ्ट घुमा रहा है उसको लेफ्ट के नीचे लिखना है। अब इन दोनों को क्या करना है जी, ऐड करके आपस में माइनस कर देना है। अब यहां पे ऐड करने लगू भाई, 135 और 45 कितना हो गया 180 और 90 270 डिग्री। यहां पे आ जाओ, 180 और 225 कितना हो जाएगा भाई, 405 डिग्री, ठीक है जी। अब यहां पे बड़ी वैल्यू कौन सी है जी, बड़ी वैल्यू तो 405 डिग्री आ गई, ठीक है। अब 405 डिग्री तो हमें 360 डिग्री तक का तो हमें पता, कोई बात नहीं भाई, 405 डिग्री में से बड़ी वाली में से छोटे वाली वैल्यू माइनस कर दो, माइनस किया 270 डिग्री, बचेगा कितना सिर्फ वो देख लो, 5 ऐसे कैसे आ गया, 10 में से 7 गए भाई 3, और यहाँ पे कितना बच गया था 3, 3 में से 2 गया 1, 135 डिग्री कौन से वाला, बाएं हाथ की ओर यानी कि लेफ्ट हैंड की ओर मेरा बच जाता है। तो मेरे पास था शुरुआत में डायरेक्शन कौन सी थी, नॉर्थ ईस्ट, और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से मुझे कहाँ जाना है, 135 डिग्री लेफ्ट हैंड की ओर यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलना है, नॉर्थ ईस्ट से उल्टे हाथ की तरफ जाना है, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज चलना है 135 डिग्री। अब भाई यहां से लेके यहां तक कितना हो गया 90, 45, 45, 90, और यहां तक आते ही कितना हो गया भाई 135 डिग्री। अब यहां से लेके यहां तक 135 हो गया, तो अब उसका फेस कहां पे आ गया जी, वेस्ट की ओर। शुरुआत में जब वह अपने घर से निकली, कुछ भी नाम था जो उसका, तो हमने लिया था भी लिखा नहीं है यहां पे, तो वह अपने घर से निकली तो उसका फेस कहां पे था जी, नॉर्थ ईस्ट की ओर, और अब उसका फेस कहां पे, अंत में इतना सारा घूमने के बाद अंत में वह कौन सी डायरेक्शन की ओर देख रही है जी, वेस्ट डायरेक्शन की ओर देख रही है, पश्चिम दिशा की ओर देख रही है, ठीक है जी। ये क्वेश्चन ऐसे नहीं आते एग्जाम में कि इतने आएंगे कि यार इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू आ जाएंगी उन सभी को मुझे ऐड करना पड़ेगा कुछ गलती ना हो जाए, ऐसे नहीं आएंगी। हमें ना इनको छोटा करना है, वो कैसे, सबको ऐड करना नहीं होता। देखिए 135 और 45 कितना हो गया 180, 180 से 180 कैंसिल करो, बचा क्या, इधर 225 डिग्री इधर 90 डिग्री, मेरा एक काम कम हो गया इन दोनों को ऐड करने का, ठीक है। वहां पे हमें जो वैल्यूज लिखी होंगी वो ज्यादातर वैल्यू कट जाएंगी हमारी, बहुत कम वैल्यू, एक दो वैल्यू ही हमारी बचेगी, उसी को माइनस करना है, ठीक है जी। चलिए अब आगे चलते हैं, इसका एक क्वेश्चन और लेंगे ऐसा ही, फिर इसको चेंज करेंगे थोड़ा, एक ऐसा ही क्वेश्चन और फिर इसको चेंज करेंगे। मैं कहता हूं राधा जब अपने घर से निकलती है कि राधा जब अपने घर से निकली तो वह दक्षिण दिशा की ओर देख रही थी, उसका फेस साउथ की ओर था, दक्षिण दिशा की ओर देख रही थी, वह पहले अपने दाएं हाथ की ओर या क्लॉकवाइज डायरेक्शन की ओर, वह पहले अपने दाएं हाथ की ओर 180 डिग्री घूमती है, फिर अपने बाएं हाथ की ओर लेफ्ट हैंड की ओर या एंटी क्लॉकवाइज, फिर अपने बाएं हाथ की ओर 225 डिग्री घूम जाती है, ठीक है। फिर दाएं हाथ की ओर 45 डिग्री घूमने के बाद
उसी दिशा में 225 डिग्री घूमती है, ठीक है, और अंत में 180 डिग्री लेफ्ट हैंड की ओर मुड़ने के बाद 45 डिग्री उसी दिशा में घूम जाती है। अंत में 180 डिग्री बाएं हाथ की तरफ घूमने के बाद उसी दिशा में 45 डिग्री और घूम जाती है। तो बताएं अब उसका फेस किस दिशा की ओर है या वो किस दिशा की ओर देख रही है। आइए, मैंने अभी भी कहा था हमें क्या करना होता है, इन सबको जोड़ के माइनस करना होता काम भाई। अब एक बात बताओ, यहां पे अगर मान लो यहां पे ये वैल्यू को मत देखो अभी, ये इन सब वैल्यूज का जोड़ अगर 110 है और इन सब वैल्यूज का भी जोड़ 110 आ रहा है, 110 में से 110 गया, बचा क्या, जीरो, वहीं पे डायरेक्शन आ गई। या यहां पे भी 45 है और यहां पे भी 45 है, आपस में माइनस हो रहे हैं दोनों। तो भाई एक बात बताओ, यहां पे जो वैल्यू है यहां पे जो वैल्यू है उसी को तो काट रहे हैं हम। अगर किसी को अभी भी जो बताया था उसमें डाउट है कि हमने काटा क्यों है, तो सेम वैल्यूज को हम जोड़ के माइनस ही तो कर रहे हैं, वही काम हम यहां पे काटने को वाला कर रहे हैं। तो यहां पे 180 से 180 कैंसिल, 225 से 225 कैंसिल, 45 से 45 कैंसिल, बचा क्या, कुछ भी नहीं। तो यानी कि उसका फेस जब शुरुआत में वो अपने घर से निकली थी ना, वो जिस डायरेक्शन में देख रही थी, अब भी वो उसी डायरेक्शन की ओर देख रही है। यानी कि उसका फेस कहाँ पे है जी, साउथ डायरेक्शन की ओर है, ठीक है जी। सेम प्रोसीजर वही चल रहा है जो पहले क्वेश्चनों में चला था।